हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड के शाही टुकड़े। इसके लिए मैंने लिया है ये दूध लिया है, और ये दूध पावर से ज़्यादा है, और इसको मैं पावर से ज़्यादा होगा, और इसको मैं इसका आधा कर लूँगी। इसको धीमी आंच पे गैस पे रख दिया है, इसको पकाने रख दिया है। ये जितना दूध है, इस दूध का आधा मैं इसको कर लूँगी। देखिए, ये दूध मैंने अब ये आधे से भी कम दूध रह गया है, हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। अब मैं इसमें एक कटोरी चीनी डाल दूंगी। और इसको अभी हम और खौलाएंगे। ये देखिए, ये एक बर्फी का पीस है, या तो आप इसमें खोया डाल सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है तो ये बर्फी है, ये बर्फी आप इसमें डाल दीजिए। और हम इसके चीनी के घुलने तक, और ये बर्फी के घुलने तक इसको और खोलाएंगे दूध को। थोड़ा सा अभी ये और खोलेगा। देखिए, अब इतना सा फूड कलर में बहुत ही कम इसमें डाल दूंगी, इसमें कलर आ जाएगा। और इसको मैं खोलने दूंगी दूध को अभी, और ये गाढ़ा होगा। मैंने तवे पे रिफाइंड डाल दिया है, और इसमें मैं ब्रेड सेकूंगी। ये देखिए, ब्रेड मैंने तवे पे डाल दी है, और मैं इसको सेकूंगी और इसे पलटूंगी। और मेरा ये देखिए गाढ़ा होने लगा है अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है। कुछ भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। और जो साइड में मलाई लगती जाती है, वो भी हम निकालती जाएंगे और इसी में डालते जाएंगे। साइडों की मलाई जो लगती है, वो भी हम इसी में डालते जाएंगे। और इसको अभी और खोलाएंगे, अभी और कम होगा। देखिए, एक तरफ की ब्रेड मेरी सिक गई है, ये कुछ ज़्यादा ही सिक गई है। ये ब्रेड तो देखिए मेरी सिक चुकी है, ये और रिफाइंड डाल दिया है। अब मैंने ये ब्रेड रख दिए सेकने के लिए। इधर मेरा देखिए, देखिए ये गाढ़ा होता जा रहा है। ये मेरी सब ब्रेड सिक चुकी है, अच्छी तरह से मैंने ब्रेड सेक ली है, और मैंने ये बहुत ही कम तेल में सेकी है ब्रेड। आप चाहें तो इसको तल करके और अच्छी तरह से, और तेल में जितना तेल में चाहें आप तल सकते हैं। हम लोग ये रिफाइंड बहुत कम खाते हैं, इसलिए मैंने बहुत ही हल्के रिफाइंड में सेकी है। ये मेरा ये बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया, और इसमें मैंने नारियल का सवा नारियल डाल दिया है, और ये गाढ़ा हो चुका है, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी हो गया है। ये मेरा गाढ़ा बहुत हो चुका है। ये दूध बहुत अच्छी तरीके से इतना गाढ़ा हो गया, और इसमें मैंने नारियल डाल दिया है, बहुत ही अच्छी तरह से ये गाढ़ा हो गया। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो रहा है। ब्रेड बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी है। अब जो मैंने ये बैटर बनाया है दूध का, गाढ़ा करके बहुत अच्छी तरह से, इसको मैं ये ब्रेड में डाल दूंगी। ये हर ब्रेड को हटा के नीचे भी डालना है, नीचे भी ब्रेड में लगाना है, ऊपर भी, सभी ब्रेड को फिल कर देना है। ये देखिए, सभी ब्रेड में मैंने अच्छी तरह से दूध डाल दिया है। हमारा जो गाढ़ा दूध का बैटर बनाया था मैंने, सभी ब्रेड में अच्छी तरह से ऊपर नीचे सब में डाल दिया है। और ये मेरा शाही टुकड़े अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और आप लोग भी बनाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मुझे, और कमेंट्स करिए। मेरे बिल्कुल भी व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत कर रही हूँ और आप लोगों को रेसिपी दे रही हूँ। अब पता नहीं हिम्मत मेरी टूट ना जाए, और फिर शायद मैं ना बना पाऊँ रेसिपी, इसलिए प्लीज़ मुझे व्यूज़ दीजिए, मुझे लाइक करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए, तो मैं आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अपना दूंगी, बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी, आपका मुझे प्यार मिलेगा।
तो मैं बहुत अच्छा करके दिखाऊंगी। और मेरी बेटी ये भी कह रही है कि जब कोई देखेगा जब ही तो प्यार मिलेगा, और ये सच सही बात है बिल्कुल। और प्लीज़ मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स।